मीशो पर बल कैटलॉग ऐसे अपलोड करें पर बनाए गए इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सप्लायर पैनल के बल्क अपलोड ऑप्शन को कैसे यूज करें और एक से ज्यादा कैटलॉग अपलोड करने की इजी और सिंपल तरीकों के बारे में बताएंगे। आपको सिर्फ एडमिन पैनल से कैटलॉग डाउनलोड करना है और प्रोडक्ट की डिटेल्स के साथ इस टेम्पलेट को भरना है और फिर इसे हमारे प्लेटफॉर्म पर वापस अपलोड करना होगा। बस इतना ही है। इसके बाद आपके कैटलॉग की क्वालिटी की जांच की जाएगी और बायर्स के लिए मीशो पर परचेजिंग करने के लिए अपलोड किया जाएगा। आइए देखें कि यह प्रोसेस कैसे काम करता है। शुरू करने से पहले यह कंफर्म करें कि आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ सप्लायर पैनल में लॉगिन हैं। लॉगिन करने के बाद पैनल के कैटलॉग अपलोड वाले सेक्शन पर जाएं और ऐड बल्क कैटलॉग पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे जहां आपसे आपके कैटलॉग का सही टेम्पलेट चुनने के लिए कहा जाएगा। सही टेम्पलेट चुनना। आप अपने कैटलॉग से मेल खाने वाली कैटेगरी को सर्च कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन मेन्यू से उसको चूज कर सकते हैं। याद रखें, आपके कैटलॉग के नाम और प्रोडक्ट के नाम आपके द्वारा चूज किए गए टेम्पलेट के अनुसार अपने आप सेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए टॉप फॉर वेमेन या शर्ट्स फॉर वेमेन। यहाँ पर क्लिक करके टेम्पलेट डाउनलोड करें। एक बार फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसे एडिट करना होगा और अपना कैटलॉग अपलोड करने के लिए इसे वापस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा। टेम्पलेट फाइल का यूज करना। पहले टैब को इंस्ट्रक्शन टैब कहा जाता है, जिसमें बल्क कैटलॉग अपलोड प्रोसेस की जानकारी और स्टेप होते हैं। इसमें वो क्राइटेरिया भी शामिल है जिनका आपको प्रोडक्ट की इमेजेस को अपलोड करने के लिए फॉलो करना चाहिए। दूसरी शीट पर क्लिक करें जिसके नाम पर फिल हियर लिखा होगा। यह वह जगह है जहां आपको कैटलॉग प्रोडक्ट्स की सभी डिटेल्स रजिस्टर करने होंगे जिन्हें आप अपलोड करना चाहते हैं। आप एग्जाम्पल शीट भी देख सकते हैं, मतलब आपकी अंतिम शीट कैसी दिखनी चाहिए। इसके बारे में जानने के लिए तीसरी शीट देखें। याद रखें, फिल हियर शीट में अपनी डिटेल्स भरते समय कॉलम्स बी और सी रेड हेडर से मार्क होंगे जो केवल सिस्टम यूज के लिए हैं। आपको यहाँ कुछ भी रजिस्टर नहीं करना होगा। सेलर के लिए पहली लाइन में दिए गए नीले कलर की सेल के तहत सभी कॉलम भरना जरूरी है। दूसरी तरफ हरे कलर की पहली लाइन वाले सभी कॉलम को भरने की रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन सप्लायर उन्हें खाली छोड़ने का ऑप्शन चुन सकते हैं यदि वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखना है। दूसरी लाइन हमें बताती है कि आपको कौन सी जानकारी इनपुट करनी है और तीसरी लाइन हमें जरूरी इनपुट के प्रकार का डिस्क्रिप्शन देती है। याद रखें, अपने प्रोडक्ट के लिए डिटेल्स ध्यान से एंटर करें या ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपने प्रोडक्ट के लिए सही डिटेल्स पिक कर लें। अनिवार्य सेक्शन। कैटलॉग को अपलोड करते समय आपको हर एक प्रोडक्ट के नाम को मेंशन करना होगा। यह इंश्योर करें कि आपने जो नाम दिया है वह उससे मिलता जुलता है और छोटा है। आप अपने प्रोडक्ट के नाम में निम्नलिखित तीन आइटम शामिल कर सकते हैं। एक, एडजेक्टिव, जेंडर, कैटेगरी नाम। याद रखें कि प्रोडक्ट नेम में लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंटर न करें, अन्यथा उस प्रोडक्ट को कैटलॉग अप्रूवल प्रोसेस में अस्वीकार कर दिया जा सकता है। सेल वेरिएशन के लिए आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपने उत्पाद के लिए उससे मिलते जुलते साइज को चूज करना होगा। याद रखें, यदि आपको लगता है कि वेरिएशन स्केल आपके कैटलॉग टाइप के लिए सही मिला नहीं है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके द्वारा डाउनलोड किए गए टेम्पलेट को दोबारा चेक करें। यदि आप सही वेरिएशन स्केल चाहते हैं तो एडमिन पैनल पर जाएं और सही कैटलॉग टेम्पलेट को ध्यान से डाउनलोड करें। प्राइसिंग के लिए आपको इस भाग में दो प्राइस डालने होंगे। मीशो का प्राइस, यह वह प्राइस है जिस पर आप मीशो पर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। इसमें आपका कट प्लस जीएसटी शामिल है। दूसरा एमआरपी है जो प्रोडक्ट के लिए अधिकतम रिटेल प्राइस है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से HSN कोड को चूज करते समय कृपया इंश्योर रहें कि आप सबसे लंबे समय तक उपलब्ध डिटेल्स को चूज कर रहे हैं। यह आपके प्रोडक्ट के लिए एक ग्लोबल गुड क्लासिफिकेशन नंबर है। इसी तरह अन्य डिटेल्स जैसे प्रोडक्ट का वजन, वेरिएशन, एप्लीकेबल जीएसटी, उपलब्ध इन्वेंट्री और अन्य अनिवार्य डिटेल्स भरें।
आपके द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी प्रोडक्ट के लिए आपको एक फ्रंट इमेज भी अपलोड करनी होगी। ऐसा करने के लिए सप्लायर एडमिन पैनल पर वापस जाएं और बल्क इमेज अपलोड वाले भाग पर क्लिक करें। उन उत्पादों की सभी फ्रंट इमेज का चयन करें जिन्हें आप अपलोड करना चाहते हैं। एक बार जब आप इन इमेजेस को प्रोसेस कर लेते हैं तो आप उन्हें उसी पेज में उनके लिंक के साथ देख पाएंगे। बस कॉपी लिंक बटन पर क्लिक करें और इस लिंक को अपने बल्क कैटलॉग अपलोड टेम्पलेट में पोस्ट करें। प्रोडक्ट के साथ में यह इमेज वन कॉलम में है। जिस तरह आपने अपने प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट इमेज अपलोड की थी, उसी तरह आप सभी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा इमेज अपलोड करने के लिए भी वही प्रोसेस कर सकते हैं। एक से अधिक इमेज डालना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जितनी ज्यादा इमेज प्रोवाइड करवाते हैं, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में उतनी ही अधिक विजिबिलिटी और ट्रस्ट मिलता है। मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट की उस इमेज को अपलोड करते हैं जो क्वालिटी चेक प्रोसेस से होते हुए सभी क्राइटेरिया को पूरा करती है और मीशो पर लिस्टेड होती है। एक कैटलॉग में सभी प्रोडक्ट्स के लिए फर्स्ट इमेज सिर्फ प्रोडक्ट की सामने की इमेज होनी चाहिए जो क्लियर दिखाई देनी चाहिए। दो प्राइमरी इमेजेस में टेक्स्ट या वॉटरमार्क वाली इमेजेस एक्सेप्टेबल नहीं है। तीन इमेजेस में प्रोडक्ट के लिए प्राइस या ब्रांड लोगो नहीं होना चाहिए। चार यह रेकमेंड किया जाता है कि प्रोडक्ट की इमेजेस केवल .jpeg फॉर्म में होनी चाहिए और प्रत्येक इमेज का साइज 500 KB और 700 KB के बीच होना चाहिए। एक बार जब आप फाइल पर लिंक अपडेट कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। रेकमेंडेड सेक्शन ऑप्शनल प्रोडक्ट आईडी वर्सेस SKU आईडी आपके प्रोडक्ट की सभी डिस्टिंक्ट कलर वेरिएशन को एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी या स्टाइल आईडी दी जाती है। आपके प्रोडक्ट के सभी साइज वेरिएशन को एक यूनिक SKU आईडी दी जाती है। प्रोडक्ट के किसी पर्टिकुलर कलर के लिए सभी साइज वेरिएशन में डिफरेंट SKU आईडी और सेम प्रोडक्ट आईडी होगी। एग्जाम्पल के लिए सेम डिजाइन के तीन हरे रंग के टॉप हैं जो तीन साइज में आते हैं। उनकी प्रोडक्ट आईडी सेम होगी लेकिन उनके पास तीन डिफरेंट SKU आईडी होंगी। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन टॉप के लिए प्रोडक्ट आईडी 1 में साइज वेरिएशन के अनुसार तीन डिफरेंट SKU आईडी होंगी। कॉलम नेम ग्रुप आईडी का यूज डिफरेंट प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक ग्रुप्स में ऐड करने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से ग्रुप आईडी चूज करके किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए दो प्रोडक्ट्स को यदि आप एक ही ग्रुप आईडी जिसे ग्रुप आईडी 1 कहते हैं के अंदर दो प्रोडक्ट्स को ग्रुप आईडी 2 में ग्रुप करते हैं तो मीशो ऑटोमेटिकली दो डिफरेंट कैटलॉग को एक ही ग्रुप के अंदर रखते हुए अपलोड करेगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भरते समय मेक श्योर कि आपके द्वारा लिखा गया डिस्क्रिप्शन 1000 वर्ड्स से कम है। हम यह इंश्योर करने के लिए कि कहीं आप वर्ड्स लिमिट से ज्यादा तो नहीं चले गए, डिस्क्रिप्शन के लिए एक एक वर्ड्स को अच्छे से चेक करने का सजेशन देते हैं। रेकमेंडेड सेक्शन में फिल किए जाने वाले ज्यादातर अदर आइटम प्रोडक्ट के बारे में ही होते हैं, इसलिए सभी प्रोडक्ट के लिए कंप्लीट डिटेल्स केयरफुली लिखें। ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वे बायर्स को प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी प्रदान करते हैं। यह आपके ब्रांड को प्लेटफॉर्म पर अधिक भरोसेमंद बनाता है। कैटलॉग अपलोड करना। एक बार जब आप सभी डिटेल्स डाल देते हैं तो आपको इस फाइल को सेव करना होगा और उस पैनल पर जाना होगा जहां से आपने इसे पहले डाउनलोड किया था। अपलोड बटन पर क्लिक करें और उस फाइल को चूज करें जिसे हमने लास्ट स्टेप में सेव किया था। अपलोड बटन पर क्लिक करके कंफर्म करें। एक बार जब आप अपना कैटलॉग सबमिट करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो सबमिट कैटलॉग बटन पर क्लिक करें। बायर्स द्वारा परचेजिंग करने के लिए आपके कैटलॉग को अपलोड किए जाने से पहले मीशो क्वालिटी चेक टीम द्वारा क्वालिटी के लिए चेक किया जाएगा। अपने अपलोड किए गए कैटलॉग का स्टेटस देखने के लिए
एडमिन पैनल के कैटलॉग अपलोड वाले सेक्शन पर जाएं। टैब क्यूसी इन प्रोग्रेस आपको वे कैटलॉग दिखाएगा जो अभी भी वेरिफाई किए जा रहे हैं। लाइव टैब आपको मीशो पर आपके सभी लाइव कैटलॉग दिखाएगा। क्यूसी एरर के साथ कैटलॉग को चेक करने के लिए क्यूसी एरर टैब पर क्लिक करें, जो आपको कैटलॉग के लिए सभी डिटेल्स दिखाएगा जो क्वालिटी चेक पास नहीं करते हैं। इसलिए किसी एक कैटलॉग को सक्सेसफुली अपलोड करने के लिए आपको बस इतना ही जानना जरूरी है। यदि आपको कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो कृपया एडमिन पैनल के सपोर्ट सेक्शन में जाएं। फिर आपको एक पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जिसमें उन सभी कॉमन प्रॉब्लम्स की लिस्ट होगी जिनको सप्लायर फेस करते हैं। आप अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए दिए गए टॉपिक्स पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपकी क्वेरी अभी भी सॉल्व नहीं हुई है तो आप यहां क्लिक करके एक टिकट बना सकते हैं, जहां आपको आपकी क्वेरी और कॉल बैक करने के लिए आपके फोन नंबर के बारे में अधिक जानकारी शेयर करने के लिए कहा जाएगा, ताकि हमारे एजेंट आपसे कनेक्ट कर सकें। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो हिट करें सब्सक्राइब बटन पर हमारे YouTube चैनल पे।